दे मस्ट लर्न हाउ टू वर्क फॉर इट. ये ना हो कि वो हम जान छुड़ाने के लिए उनकी हर तलब को यस कर दें, और जब हम यस कर देते हैं तो उनको एक गलत आदत पड़ जाती है शॉर्टकट्स, और ये शॉर्टकट्स जो है फिर आगे जाके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और गवर्नमेंट में भी हम देखते हैं कि उन शॉर्टकट्स के नतीजे में करप्शन और ये सारी चीजें शुरू होती हैं. तो वी शुड नॉट बी वेरी जेनरस एंड लिबरल विद आवर चिल्ड्रन. उनको हमें गाइड करना है कि तुम्हें कुछ हासिल करना है तो उसके लिए खपत करनी होगी. मैं आपको छोटी सी मिसाल अपने बेटे की दे देता हूँ. जब वो 18 साल का था तो उसने मुझे कहा कि अब्बू, अच्छा पढ़ने का कोई खास शौक भी नहीं था, लेकिन उसके जो दोस्त थे स्कूल में वो कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, कोई अमेरिका, तो कोई बर्तानिया, तो उसने कहा कि अब्बू व्हाई आरंट यू रिच. मैंने कहा व्हाट डू यू मीन. कहता है कि माय फला फ्रेंड इज गोइंग हियर, फला इज देयर, एंड एवरी टाइम आई कम टू यू यू से यू डोंट हैव द मनी. तो मैंने कहा बेटा अमेरिका जाने का गोल मेरा है या तेरा है. तो कहता है कि मेरा है. मैंने कहा बेटा तेरा है तो मैंने तुझे रोका है जाने से. कहते मैं पैसे तो आप ही देंगे. मैं कहा मैं तेरा एटीएम मशीन तो नहीं हूं ना भाई, मैं तेरा बाप हूं. आई कैन टीच यू हाउ टू गेट स्कॉलरशिप, आई कैन टीच यू हाउ टू मेक द एफर्ट टू गो टू द यूनाइटेड स्टेट्स, बट आई विल नॉट फाइनेंस योर एस्पिरेशन टू गो देयर. हाँ, तुम्हें अगर जाने का शौक है करो, और अगर नहीं है तो फिर मेरा वक्त जाया ना करो, मेरा टाइम और मेरे पैसे नहीं. मैं तुम्हें पाकिस्तान में अंडर ग्रेजुएट तक तो पढ़वाऊंगा, उसके बाद तुम्हारी जिम्मेदारी है भाई. लेकिन ये नहीं. अब दिस इज एन एग्जांपल इन माय व्यू कि हम कभी कभी अपनी औलाद को खराब कर देते हैं ये सोच कर कि भाई हम उनको, मैं मिसाल देता हूँ, कितने लोग कैनेडा ऑस्ट्रेलिया गए हैं, भाई क्यों जा रहे हो. हम अपनी औलाद को अच्छी तरबियत और अच्छा माहौल देना चाहते हैं, ठीक है भाई आप ले जाएं. अच्छा कैनेडियन पॉलिसी बड़ी कमाल की है, वो पॉलिसी बड़ी अच्छी इस तरह से है, उनको टैलेंट चाहिए, इमिग्रेशन करते हैं क्योंकि उनके अपने लोग कम हो रहे हैं, उनको लोग चाहिए. अच्छा लोग भी ऐसे चाहिए जैसे उनके हों. तो होता क्या है कि पेरेंट्स पहुंचते हैं अमरीका कैनेडा ऑस्ट्रेलिया इन जगह जैसे ममालिक में, पेरेंट्स बन जाते हैं, आया मासी बच्चों को घर वालों के घर की जिम्मेदारी है, नौकरी उनको करनी होती है, टैक्स वो देते हैं हुकूमत को. अच्छा स्कूल में बच्चे तरबियत हासिल कर रहे होते हैं, बच्चे वहां के हो जाते हैं और अपने रूट्स को अपने मुआशरे को भूल जाते हैं. तो हमने उनको एक अच्छी जिंदगी दी है तो किस दिन के लिए, कि जिधर से वो शुरू होते हैं वो तो उसको भूल गए. और कितने बच्चे हैं जो वापस ही नहीं आते, कहते हैं हमें उससे पाकिस्तान से हमें